योगिनो, हम जब जीवन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर होते हैं तो हमेशा हमारे सामने कुछ चिंताएं होती हैं। चिंता इस बात की होती है कि पता नहीं क्या होगा, और हमारे जीवन की कठिनाई ही यहीं से शुरू होती है। हमें इति की चिंता होती है, अथ की नहीं। यानी हम लोग परिणाम की चिंता कार्य के शुरुआत होने के पहले ही करने लगते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी कठिनाई होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को एक ही बात कही थी कि कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हमने कुछ भी इससे प्रेरणा प्राप्त की होती तो हमारे कर्म के साथ ही हमारा फल भी जुड़ जाता, और हम इति की चिंता नहीं करते बल्कि अथ की चिंता करते। यानी कार्य की शुरुआत कैसे करनी है, अगर हम इसमें थोड़ी सी बुद्धि विवेक लगा लें तो अपने आप ही उसके परिणाम लक्षित होंगे। जो हम चाहते हैं उस प्रकार के परिणाम हम सबके सामने अपने आप ही आते हुए दिखाई देंगे। और इसलिए हम सबको अगर जीवन में सफलता के पथ पर अग्रसर होना है तो हमारा प्रयास कार्य की अच्छी शुरुआत की होनी चाहिए। अच्छी शुरुआत होगी, पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम अगर उस कार्य के साथ जुड़ जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। कोई आपके मार्ग में बैरियर नहीं बन सकता, कोई बाधा नहीं बन सकती है। अच्छी शुरुआत के लिए अपने आप को तैयार करिए। और विश्वविद्यालय ने एक अच्छी शुरुआत की है। यह अच्छी शुरुआत इस बात की गवाही देती है